अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक़। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू दिसंबर 2021 के अख्ताम तक ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक में कहां तक डेवलपमेंट हुई है उसका जायज़ा लेना है। लेफ़्ट साइड पे आप अपने एग्जेक्टिव ब्लॉक बी से ओवरसीज़ सेंट्रल तक का जो मेन 180 फीट का बुलेवार्ड है वो आप देख रहे थे, और अभी आप अपनी स्क्रीन पर वो एग्जेक्टिव ब्लॉक बी के साथ जो पार्क है उसकी फुटेज और उस पार्क के साथ मिनी ओवरसीज सेंट्रल आप देख रहे हैं। ओवरसीज सेंट्रल के मास्टर प्लान पे मिनी सेंट्रल और ऊपर राइट साइड पे डॉक्टर्स एनक्लेव, ये आज आपको ड्रोन की फुटेज में दिखा दिया जाएगा। बैक टू रियल टाइम फुटेज। इस टाइम फुटेज पे जो आप ये जो डेवलपमेंट का काम होता देख रहे हैं ये ओवरसीज सेंट्रल का मिनी ब्लॉक है और आपकी राइट साइड पर बुलेवार्ड। यहाँ पर अभी फिलिंग का काम चल रहा है और प्रॉपर सॉलिड तरीके से फिलिंग हो रही है। एवरेज फिलिंग जो है तकरीबन मिनिमम भी 10 फुट की यहाँ पे ज़रूर है। फिलिंग के काम में यहाँ पे अगर कोई डेवलपर आके देख ले साइट के ऊपर तो एक प्रॉपर तरीके से सॉलिड फिलिंग हो रही है, ना कि सिंपल भराई और ऊपर बारिश का वेट कर दिया जाए। ओवरसीज सेंट्रल में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है और डेवलपमेंट की पेस यहाँ देखते हुए एक चीज़ की तो आपको ये अशोरिटी ज़रूर मिल जाती है कि सोसाइटी इस ब्लॉक को पोजेशन और डिलीवर करने का इरादा बहुत स्ट्रॉन्गली रखती है। ओवरसीज सेंट्रल मिनी से जिन लोगों ने मास्टर प्लान अगर प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया उनकी इतला के लिए यहाँ से बीच में एक गवर्नमेंट की रोड भी जा रही है, वहाँ पर एक दो मकान बने भी हैं और मोस्ट लाइकली सोसाइटी ने शायद वो एक्वायर कर भी लिए हैं। यह वो गवर्नमेंट की रोड है जो आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। मास्टर प्लान पे ये रोड किधर आ रही है लेट्स सी, उसको देखते हैं। ये येलो कलर की हाईलाइटेड रोड सरकारी रोड है जो मौके पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके इर्द गिर्द कुछ हिस्सों में कटिंग नहीं हुई हुई, अगर ये एक दो माह तक इसी तरह रही तो फिर आपको ये फील होगा कि सोसाइटी अभी इस लैंड को एक्वायरेशन में प्रोसीजर में है, मुकम्मल एक्वायर नहीं कर पाई अभी तक। मास्टर प्लान को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये रोड पीछे एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक गांव को जाके लग रही है। गांव का नाम मंदवाल है और यही रोड ऊपर जाकर फिर इंटरचेंज के साथ भी कनेक्ट कर रही है। ओवरसीज सेंट्रल में जो बिल्कुल नियर पोजीशन है या 80% डेवलप जो ब्लॉक है वो है डॉक्टर्स इनक्लेव। कैपिटल स्मार्ट सिटी के इवेंट में इन्होंने डॉक्टर्स इनक्लेव के ब्लॉक के हवाले से खसूसी न्यूज़ शेयर भी की थी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल के अंदर जो सेक्टर सिर्फ एक ही है जिसका नाम अभी तक रिवील हुआ है और वो है डॉक्टर्स एनक्लेव। 20 दिसंबर 2021 की रिकॉर्डेड ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 से 3 स्ट्रीट्स के एस्फॉल्ट का काम शुरू हो चुका है। ये जो नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओवरसीज सेंट्रल की मेन ड्रेनेज है जिस पर काम चल रहा है। ओवरसीज वन यानी कि ओवरसीज ईस्ट के मुकाबले में ओवरसीज सेंट्रल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल सीनरी हो या नेचुरल लेक्स हो, इस लिहाज से ओवरसीज सेंट्रल की लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्राइम है। आजकल तो वैसे भी हर सोसाइटी ने आर्टिफिशियल लेक्स बनाकर लेक व्यू फ्रंट का नाम देना शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की ये बहुत बड़ी लक है कि इनको इस तरह की कहीं पर आर्टिफिशियल लेक बनाना नहीं पड़ रही सवाए ओवरसीज़ प्राइम के। ओवरसीज़ सेंट्रल में नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लेक्स का जाल बिछा हुआ है। मास्टर प्लान पर जो झील आप अभी देख रहे हैं ये आप अभी लाइव फुटेज में अपने सामने देख रहे हैं। ओवरसीज सेंट्रल की ये झील जब यहाँ पर साफ होगी और वाटर फाउंटेन्स लगेंगी तो एक अपना ही खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। इसमें सेंट्रल में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि नॉर्मली आप जिस ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे कॉर्नर या पार्क फेसिंग होता है, तो यहाँ पर ओवरसीज सेंट्रल में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि यहाँ पर लेक फेसिंग प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा भरमार होगी और ये पार्क फेसिंग से ज़्यादा कॉर्नर फेसिंग या कॉर्नर प्लॉट से ज़्यादा लेक फेसिंग प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। ओवरसीज सेंट्रल में लेक फेसिंग प्लॉट्स जो भी सबसे पहले अपने नाम कर लेगा उसको डेफिनेटली बाकी प्लॉट्स यानी कि कॉर्नर और पार्क फेसिंग से ज़्यादा एज मिलने वाला है। सेकंड नंबर पे सेकंड कैटेगरी पे आप कॉर्नर का प्लॉट अपने जहन में रखें,
वो ज़्यादा प्राइम लोकेशन के हैं। और ओवरसीज सेंट्रल की वैसे भी जब आप मास्टर प्लान पे लोकेशन देखें तो चारों साइड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक साइड पे आप चले जाएं तो सारा कमर्शियल हब है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ आपको कन्फर्म रेंटल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जबकि आप इसके लेफ़्ट साइड पे जाएं तो सिलिकॉन वैली है। एक डेफिनेटली वहाँ पे जब सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग आएंगे तो वो इन्हीं मकानात को रेंट करेंगे। फ्रंट पे आ जाएं तो मेन बुलेवार्ड है, कमर्शियल्स हैं, और राइट साइड पे हाई राइज टावर्स। तो ओवरसीज सेंट्रल वैसे भी हाई रेंटल की वजह से पहचाना जाएगा। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स इनक्लेव पे सीवरेज के पाइप्स जहाँ बिछ गए हैं वहाँ पर इन्होंने एस्फाल्ट का काम मुकम्मल कर लिया है, और बाकी जगह पर स्ट्रीट्स का लेआउट की कटिंग चल रही है। ओवरसीज सेंट्रल के अंदर जहाँ पर भी सरकारी रोड है उसके इर्द गिर्द ज़मीन, या आप अगर आपको चॉइस मिलती है वहाँ पर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ज़मीन एक्वायरेशन का स्टेटस फ़िलहाल क्लियर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे अंदाजे के मुताबिक ओवरसीज सेंट्रल की 70-80% की लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है। रिमेनिंग लैंड कब एक्वायर्ड होगी या होती भी है या नहीं, तो वो एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, प्लॉट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक चीज़ चॉइस पे ली है और आपको वो चॉइस ही ना मिले तो कल सारी ज़िंदगी अफसोस रहता ही है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 03131344004।